दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डूंगर। अभी हम सतलोक आश्रम सोजत में हैं, यहां पे मेहमान हैं। इनसे जानते हैं इस समागम में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और इनको क्या क्या ऐसा लगा जिनसे ये प्रभावित हुए। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? काला राम मुगा। आप क्या करते हैं? मैं तो खेती करता हूँ और राजनीतिक कांग्रेस से जिला परिषद। आपका राजनीति में कितना अनुभव है? राजनीति में 40 साल से अनुभव है मेरा, कांग्रेस पार्टी के साथ में। जो शिक्षा के लिए काम किया, पानी के लिए काम किया, अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहा, बहुत अच्छा जोधपुर पाली में पानी का इंजाम कर दिया। 2800 करोड़ लोन लेके 30 साल तक पाली जोधपुर में पानी की समस्या नहीं आ। सर आपका 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और आपने सामाजिक लेवल पे और अन्य भी काफी कार्य किए होंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ऐसे क्या कार्य हैं जिनसे आप प्रभावित हुए? ऐसे क्या संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या किया है जिनसे आप प्रभावित हुए? रामपाल जी महाराज की पैट अच्छी है, साफ है, कोई पैसा टकरा लेते नहीं। एक तो कैंसर है, कई बीमारियों इनके आश्रम से आने से नाम लेते ठीक हुई है। एक देश देश का रगड़ा काट दिया, एक कोई पैसे ऐसे लेते नहीं है बिल्कुल। सेवा यहाँ बहुत अच्छी है, साफ सफाई अच्छी, शिक्षा देते हैं क्या भाई, राम का शब्द दाव बोलो, सेवा कौर गरीब की, गौ की, मनुष्य भगवान बराबर होता है, तो वही स्वर्ग में ले जाता है सेवा के पीछे। तो सर जो संत रामपाल जी महाराज का रक्तदान शिविर भी होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया चलता है, लोग खूब रक्त देते हैं, बाप जी के आह्वान के ऊपर 1000 रूप रक्तदान दे देते हैं। ऐसी 10 जगह ये आश्रम चलते हैं, सब जगह अच्छा खाना पीना रक्तदान दहेज वगैरह सब बंद कर दिए इन्होंने और पढ़ाई का ज्ञान देते हैं, सभी शास्त्र इनके कब्ज में है। सवाल है, सवाल पूछा ये बताओ, इसके कोई नहीं बता सका जो इन्होंने ढूंढा है कबीरदास जी के हिसाब से। तो सर आप यहाँ पे आए हो, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल सादा खाना, दाल सब्जी रोटी लड्डू और पूरी व्यवस्था, पानी और चाय की, दूसरा कोई नशा नहीं है, नशे के ये खिलाफ है। चाय जरूर पिलाते हैं, प्रसाद देते हैं और खाना साथ में खाना और देते हैं। 5 आदमी है तो 5 लड्डू 8 पूरी और सब्जी, 2 दिन का है तो 2 दिन का भोजन देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कहाँ से भगवान भेजता है किसी से, हमने तो बातें पैसे लेते नहीं दिखा, कोई 50 रुपया मनु पेटी में डाले डाल दे, बाकी किसी से पैसे की बात, कोई रसीद लेकर नहीं बैठा, ये रसीद काटो सेठ सरकार कहाँ पता कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। 1000 आदमी आते हैं, 1000 जाते हैं, सब भोजन टीम के जाते हैं, एक एक दिन का खाना तो पक्का साथ में। तो सर आपने बताया इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती है और कोई पैसा भी नहीं लेते, तो क्या आप इन सारी बातों से प्रभावित हुए हो? तो आपने नाम दीक्षा भी ली है संत रामपाल जी महाराज से? अब दीक्षा लेने वाले हैं, 3-4 और आए और लोगों को लाएंगे, मैडम को लाए, अब की बात साहब पूछा भाई ये रामपाल जी के काम तो अच्छा है, व्यवहार है, कोई गलत काम तो करते हैं नहीं, नशा छोड़ना पड़ेगा, आना जाना थोड़ा साफ रहना पड़ेगा, बाकी घर का काम का कोई मना नहीं करते हैं, पैसा लेते नहीं है, कोई भगवान ही इंतजाम करता है कहाँ से आता है। 1000 आदमी आते हैं, 1000 खाना टीम के जाते हैं, पता नहीं पौड़ियों जल्दी आवे आते, एक भगवान जी लीला है तो इतो भंडारो चले भाई साहब, बढ़िया साफ सुथरो खानो, भगवान की लीला है रामपाल जी के, कबीरदास जी का आश्वासन है पूरा, कबीरदास जी ने खूब भंडारा किया, दूसरों ने कुकमती भेज दी, इनके पिताजी का मास्टर कर दिया तो भगवान हाजिर है के उनका भी पार किया, भगवान है सतपाल जी भगवान के बरोबर, हम मानते हैं वो नहीं कहते हैं, हम भगत लोग हैं वो भगवान के बरोबर मानते हैं इनको। तो सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? संदेश तो वही कहो, रामपाल जी कहती हूँ करो नशा पता छोड़ो, आज कई बीमारियां करती है, मैंने सुना, मैं 40 साल से रात दिन लोग बताते हैं, हम रामपाल जी के वहाँ गया कैंसर ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया, वो हो गया, कई अफीम का नशा छोड़ दिया, कई वाइन का छोड़ दिया, सब नशे का एक बार नाम लेने के बाद अपने आप छूट जाता है और भगवान के पास शब्द देते हैं, वो नाम लो स्वर्ग का रास्ता साफ हो जाएगा, स्वर्ग स्वर्ग ऊपर स्वर्ग बिल्कुल। इन्होंने लड़ाई लड़ी, इंजीनियर की नौकरी छोड़ के इन्होंने ये काम संभाला, बहुत बढ़िया काम संभाला, अच्छे आश्रम है 10-11, विदेश में भी आश्रम है इनके, पैर तो है रामपाल जी के, साफ आदमी है बिल्कुल, दहेज वगैरह सब बंद करवा दिए, बिल्कुल सेवा करो गरीबों की, गौ की, भाई सेवा, नाम 5 नाम देते हैं ये, स्वर्ग मिल जाता है नाम लेने से। सर आपने समय दिया हमसे बात की उसके लिए धन्यवाद। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपने, और इसकी आगे ही पैठ करना अच्छे है रामपाल जी, और ये संतों को यही कहते हैं इसका जवाब दो, कोई अभी जवाब देने वाला नहीं है भाई, ये तो भगवान का ही आश्रय है, और कबीरदास जी तो वैसे भगवान ही थे, जाने के बाद हिंदुओं ने कह काटेंगे,
मुसलमान कहे कह देंगे, हिंदू कह जानेंगे फूल ही मिले। कबीरदास जी के चेले हैं ये रामपाल जी, इनको समझ में आ गया भगवान मिल गए सब। हम तो भगवान बरोबर मानते हैं सब, ये नाम लिया जाए तो मानते हैं, हम भी मानते हैं, अच्छे आदमी है रामपाल जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।